ప్రధాని మోదీ అమిత్ షా స్టాక్ మార్కెట్ల స్కామ్ కు పాల్పడ్డారని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. జేపీసీతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. షేర్లు కొనాలని పిలుపునిచ్చి మోదీ షా విధులను దుర్వినియోగం చేశారని అన్నారు. జూన్ 3న స్టాక్ మార్కెట్లు పెరుగుతాయని షాకు ఎలా తెలుసని ప్రశ్నించారు. పెరిగిన స్టాక్ మార్కెట్లు జూన్ 4న పతనమయ్యాయని తెలిపారు. ఇందులోనూ వారి ప్రమేయం ఉందని రాహుల్ విమర్శించారు. पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी. प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है. होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया. आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है. अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून. 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th. फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1st जून. मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है. बीजेपी 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं. 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है. अगला स्लाइड दिखाई जरा, ये देखिए 31st में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है. हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है. किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है.